हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल शर्मा लोमस लाइफ पॉजिटिव पार्टनर एक्सपर्ट हूँ। आज आपके साथ लॉकडाउन के ऊपर कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेशन में हैं और अनहैप्पी हो गए हैं, तो अनहैप्पी मत होइए। आप जितना हैप्पी रहेंगे, हैप्पी हॉर्मोन्स आपके अंदर आएगा जो आपकी विल पावर को भी स्ट्रांग करेगा और साथ में आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये मेनली ये वायरस का अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, और वो कब आता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि जितना हो सके खुश रहें। साथ में इसके हमारा जो सनातन धर्म है, जो वैदिक है, इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदा के टिप्स हैं, मंत्रास के टिप्स हैं, हवन यज्ञ के टिप्स हैं, उन सभी को फॉलो करते रहें। आयुर्वेदा में अब सबसे ज़्यादा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर रखती हैं वो चीज़ें हैं जेठी मल, जिसे कि मुलैठी कहा जाता है। वो किसी भी प्रकार की कितनी भी क्रॉनिक खांसी क्यों ना हो उसको अच्छा कर सकता है। तो इस समय में अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको जरूर आप थोड़ा सा मुंह में रख के उसको चूसते रहें। इसके साथ में आप सिनेमन यूज कर सकते हैं, काली इलायची बहुत अच्छी है इसके लिए, काली इलायची, फिर उसके अलावा लौंग है, काली मिर्च है, शहद है इनमें, और तुलसी है। इन सभी चीज़ों को अलग अलग तरह से मिला के घर के सभी लोग लें। गिलोय है, गिलोय भी बहुत फायदा करता है इसमें, उसका भी उपयोग करें। साथ में हो सके तो गुनगुना पानी कंटिन्यू पिए, अगर कंटिन्यू नहीं पी सकते तो कम से कम सुबह और शाम जरूर थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, उसमें हो सके तो थोड़ा सा नींबू भी जरूर डालें। ये चीजें सब आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रांग रखेंगी। और इसके साथ साथ आप मंत्रों की चैंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों के अंदर वो वाइब्रेशन होती है जो हमारे वातावरण को बहुत शुद्ध कर सकती है, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र है और गायत्री मंत्र है। अब इनको अगर आप चैंट करें तो बहुत अच्छा है, अगर आप चैंट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको प्ले करें। आप अपने घर में जब इसे प्ले करेंगे तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो वहां जो भी वायरस है उनको पूरी तरह रिमूव कर देगी। इसके साथ में आप अपने घर में सुबह शाम दिया जरूर करें, आप वैसे नहीं करते लेकिन जरूर करें, और इस समय धूप जरूर करें, गीली धूप, अगरबत्ती नहीं, सिर्फ गीली धूप जो होती है उसे यूज करें। उसके अंदर इस तरह के कंटेंट होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। हो सके शॉर्ट में एक हवन, हवन हमें प्रॉपर मेथड से नहीं करना, हवन का मतलब है कुछ ऐसे जो जड़ी बूटियां हैं उन्हें बर्न करना जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद वायरस को नष्ट करके और हमारे वातावरण को पूरी तरह से पॉजिटिव करती है, जिसके अंदर की कैम्फर आ गया, लौंग है, मस्टर्ड है, इस तरह की, और गूगल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको थोड़ा सा एक बाउल में लेकर के और उसको बर्न करें, उसके अंदर घी की आहुति डालें। मंत्र चैंटिंग आती है तो इसके साथ आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में सुबह शाम जो मॉपिंग करते हैं उस मॉपिंग में सॉल्ट जरूर डालें, अगर सी सॉल्ट है बहुत अच्छा है, रॉक सॉल्ट है बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं है, जो आपके यहाँ नॉर्मल सॉल्ट है, सिर्फ आप नॉर्मल सॉल्ट और कपूर डाल के भी मॉपिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बेड के पास कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें, क्योंकि वो आपके उस एनवायरमेंट को पूरी तरह से क्लियर रखेगा। और कहीं भी बाहर से आप आते हैं तो जब भी आप बात लेते हैं, क्योंकि आते ही सब कहा जा रहा है, डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बात लें, तो वो नहाने के पानी में आप नमक जरूर डालें, क्योंकि नमक की वो प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव एनर्जी को पूरा ब्रेक कर देता है। तो किसी भी तरह का अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में आती है, हमारे फिजिकल बॉडी पे है, तो वो ब्रेक होगी। आप डिटॉल तो जरूर डाल रहे हैं, आप जो भी और चीजें पानी में डाल रहे हैं उसके साथ साथ आप दो चीजें और ऐड कर लें, जिसमें कि नमक है और कपूर है, ये चीजें यूज करें। और समटाइम्स एक और टिप है कि आप हो सके तो जो मिंट के कैप्सूल आते हैं, पुदीन हरा के जो कैप्सूल आते हैं, उस कैप्सूल को एक को ब्रेक करके उसको नहाने के पानी में डाल दें, और उससे अगर शावर लेते हैं, बाथ लेते हैं, तो भी आपका पूरा ऑरा पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतने टिप्स काफी हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, थैंक यू।